हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज़। तो आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का, वो भी बिल्कुल ढाबे स्टाइल में, जैसे ढाबे पर तंदूर में बनाया जाता है। पनीर टिक्का तो हम अक्सर बनाते हैं, मगर ये पनीर टिक्के की बात ही अलग थी। इसको खाकर तो ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये घर में गैस पर बनाए। एकदम वही तंदूर वाला टेस्ट और खुशबू भी बिल्कुल वैसे ही आ रही थी जैसे कि तंदूर में बना हो। तो सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए हमने 300 ग्राम पनीर लिया है और हमने इस तरह से बड़े बड़े क्यूब में काट लिया है। पीस हमने बड़े ही रखे हैं जैसे कि ढाबे में रखे जाते हैं। तो पनीर को हमने 10 मिनट गर्म पानी में डाल दिया था। ऐसा करने से पनीर टिक्का बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। तो पहले इसका मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो आधा कप हमने दही लिया है और दही को पहले हमने 10 मिनट सूती कपड़े में बांध के टांग दिया था, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी सब निकल गया है। अब इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच भुना जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और गरम मसाले की जगह पर आप रेडीमेड वाला तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच कसूरी मेथी, दो चम्मच इसमें बेसन डालेंगे और बेसन को भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डाल सकते हैं। एक चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, दो चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे और तेल को हमने थोड़ी देर पका लिया था, उसके बाद ठंडा कर लिया फिर डालेंगे। इसका डालने से इसका फ्लेवर कुछ अलग ही आता है और ढाबे वाले भी ऐसे ही करते हैं। इसको और अच्छा कलर देने के लिए एक चुटकी हम फूड कलर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब पनीर के एक एक पीस उठा के मैरिनेशन में डाल देंगे। और हाथ से धीरे धीरे करके पनीर को मैरिनेशन में लगा देंगे। और हाथ से लगाएंगे, अगर चम्मच से लगाएंगे तो पनीर के टूटने का डर रहता है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर रखना ज़रूरी है, तभी मसाले पनीर पर अच्छी तरह से चिपकते हैं। अब पनीर को सीक पर लगाएंगे। अगर आपके पास सीके नहीं हैं तो वैसे भी पनीर को आप तवे पर हल्का तेल डालकर सेक सकते हैं। अब पहले सपोर्ट के लिए कटे आलू का स्लाइस आगे पीछे हम लगा देंगे, उसके बाद पनीर लगाएंगे। ऐसा करने से पनीर टूटकर गिरता नहीं है। तो इसी तरह से पहले सारी सीके तैयार करके रख लेंगे। अब तवे पर हल्का सा तेल लगाएंगे, पनीर टिक्का को हर तरफ से घुमा घुमा कर सेकेंगे। और पनीर टिक्का बनाने के लिए पनीर के पीस चौकोर रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो हर तरफ से सिक पाता है। तो हर तरफ से हम इसको घुमा घुमा कर सेकेंगे। अब इसमें तंदूर वाला टेस्ट लाने के लिए इसको गैस की आंच पर घुमा घुमा कर सेकेंगे। इस तरह करने से जैसे तंदूर में सेकने से ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, वैसे ही इसी में भी आ जाएंगे और एक स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा, जैसे कि तंदूर में सिका हुआ हो। अब ऊपर से थोड़ा सा पिघला हुआ बटर लगा देंगे। तो बस प्लेट में निकाल कर धनिया की चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार पनीर टिक्का बनकर तैयार है। तो आप भी इसको घर पर बनाइए, सबको मज़ा आ जाएगा इसे खा के, और कोई गेस भी नहीं कर पाएगा कि ये घर में बना है या फिर किसी रेस्टोरेंट या ढाबे से आया है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी रेसिपी पूरी देखने के बाद आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।